क्लेम के प्रोसेस में मेरे को कितना दिन लग गया। मेरा जीरो डेप इंश्योरेंस था तो मेरा तो एक रुपया लगने वाला नहीं था, लेकिन मेरे से कुछ लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के चैनल मेरा और नया ओपन हो रहा है डीएमटी ब्लॉक के नाम से। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मेरे चेहरे में आप खुशी देख रहे हो क्योंकि मेरी जो MT 15 है एक्सीडेंटल के बाद रिपेयर होके आ चुकी है। इसमें क्या क्या मेरे को प्रोसेस करना पड़ा ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप एक बार चारों तरफ से बाइक देख लीजिए, अभी मैं चला के भी लाया, बड़ा मज़ा आ रहा है चलाने में। तो सोचा आप लोगों को भी बता दूँ कि अगर बाई चांस अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस में आप कैसे क्लेम ले सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, पूरी इसी वीडियो में आप जानेंगे। कितना चार्ज देना पड़ेगा अगर आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो आपको कितना देना पड़ेगा, अगर आपका जीरो डिप इंश्योरेंस है तो उसमें आपको कितना देना पड़ेगा। तो जीरो डिप इंश्योरेंस मेरा होने की वजह से मेरी जो गाड़ी में टोटल एक्सपेंस आया है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक चैनल मेरा और नया ओपन हो रहा है डीएमटी ब्लॉग के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। D-MT करके है, D-MT ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब करिए। उसमें ब्लॉग्स आएंगे, मोटो ब्लॉग्स आएंगे और इस पर जैसी वीडियो आती थी वैसी भी आएंगी, थोड़ा मिक्सअप वीडियो आएगी। तो आप लोग मतलब एडजस्ट करिएगा, ये मत सोचिएगा कार की वीडियो मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ। अभी कार फिलहाल अपने पास है नहीं, इस वजह से मैं उसकी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो चलिए कंटेंट की ओर आते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी प्रोसेस मैंने इसमें क्या किया है। जिसके साथ इसमें फ्रेम भी लगा हुआ है, ये फ्रेम लगाना वैसे देखा जाए तो इलीगल है, लेकिन आप लोग लगा सकते हैं। इस पर आप रिवीट करवा लीजिए, उसके लिए आपको फिर जैसे RTO अगर कोई रोकता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि आखिर इस क्लेम के प्रोसेस में मेरे को कितना दिन लग गया, कितने दिन में मेरी बाइक रिपेयर होके आई है, और यहाँ पे इसका ये काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा जो भी आप बोल सकते हैं, कितना पैसा मेरे जेब से गया, कितना इंश्योरेंस ने कवर किया, क्योंकि मेरा जो इंश्योरेंस था जीरो डेप था। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी की कुछ कंडीशन, इसमें क्या क्या पार्ट चेंज हो गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ पे अभी फोकस हो रहा है MT 15 लिखा है, ये पूरा पार्ट चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें पहली वीडियो में आपने देखा रहा होगा इसमें स्क्रैच था, ये पूरा चेंज हो गया। सेकंड पार्ट एक फ्रंट मडगार्ड चेंज हुआ है, इसके बाद थर्ड जो पार्ट इसका मेजर चेंज हुआ है ये वाला चेंज हुआ है, हैंडल के साथ ये स्विच चेंज हुआ है, और ये साइड का पैनल टैंक का पैनल है ये चेंज हुआ है, और इसके साथ ये वाला पैनल चेंज हुआ है, यहाँ पे छोटा सा पैनल है। तो मतलब कुछ इतनी चीज़ें चेंज हुई हैं, और मेन अंदर की जो मैं आपको बता रहा था कि ये फॉर्क बैंड है, तो ये जो सागप पाइप है ये कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको हल्का सा रिपेयर करके दे दी है, बाकी इसको पूरी तरह से उन्होंने चेंज नहीं किया। इसके अंदर की जो टी होती है हैंडल की टी, और जो उसमें छर्रे कटोरी कौन सेट लगते हैं उसको चेंज करके दे दी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं बिल में भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में, इसमें किसी प्रकार की अभी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रही है, एकदम न्यू जैसे बन चुकी है। बस इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, मैं आपको बता दूँ कि लगभग 3 जनवरी को मैंने गाड़ी दिया था वहाँ पर, और 3 जनवरी के बाद मेरे को गाड़ी जो डिलीवर हुई है रिपेयर होके वो 12 तारीख को हुई है। तो कुल मिला के मोटा मोटी अगर आप माने तो 10 दिन का टाइम इसमें लग गया रिपेयर करने में उनको, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इसका पार्ट अभी नहीं आ रहा है, पार्ट आने में देरी है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। मेन मुद्दे की बात ये करते हैं कि हम इंश्योरेंस में कैसे प्रोसेस कर सकते हैं अगर अपनी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, नई बाइक है अगर उसका जीरो डेप इंश्योरेंस है तो उसमें कितना कवर होता है। मेरा जीरो डेप इंश्योरेंस था तो मेरा तो एक रुपये लगने वाला नहीं था, लेकिन मेरे से कुछ लिया गया है तो मैं आपको बताऊँगा कितना लिया गया है, वो भी मैं वीडियो खत्म होते होते पूरा सब कुछ बता दूंगा। तो ये मेरे पास बिल भी है क्योंकि मैं प्रूफ लेके चलता हूँ साथ में, ताकि एक रहे ना कि मतलब बिना प्रूफ के मैं कोई बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस बिल को देख सकते हैं जिसपे मतलब इसके जो पार्ट्स चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल इसमें पार्ट्स चेंज हुए हैं 12 पार्ट चेंज हुए हैं, जैसे कि स्कूप एयर अंडर ब्रैकेट कंप्लीट है, मतलब ब्रैकेट वगैरह इसमें बहुत सारे लगे होंगे, हेडलाइट के इसको कवर बोलते हैं जिसपे आँख टाइप है MT 15 लिखा है, ये पूरा चेंज हुआ है, और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ लगभग ये 497 रुपये की पड़ी है। इसी के साथ ये टैंक का जो कवर है पैनल, इसको ये पड़ा है अपने को 1060 रुपये का, और ये जो स्विच है ये भी चेंज हुआ है, तो स्विच पड़ा है 678 रुपये का।
फिर इसके साथ कोई बासर प्लेट नट वट छोटे मोटे आइटम है जो कम ही रेट के हैं। तो इसमें जो मेन इसके ये टी चेंज हुई है ना अंदर की टी साकब जिस पे लगा हुआ है ये अपना 3369 रुपए का है। तो मैं आपको बता दूं यमहा का ये कुछ पार्ट्स वार्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं। अगर यमहा की बाइक आप लेने जाएंगे तो ले तो लेंगे लेकिन फिर उसका मेंटेनेंस मेरे हिसाब से अब महंगा पड़ने वाला है क्योंकि इसके पार्ट्स जो हैं बहुत महंगे आते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि इसके पार्ट्स महंगे आ रहे हैं, पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे टोटल जो एक्सपेंस हुआ इसमें जो पार्ट्स लगे हैं स्पेयर पार्ट्स की कीमत जो आई है 9332 रुपए की, इसमें टोटल पार्ट्स डले हैं मात्र 9332 रुपए के। और इसमें जो लेबर लगा है तो इन्होंने लगाया है एक्सीडेंटल लेबर 1250, आउटसाइड रिपेयर लेबर 1550, आउटसाइड रिपेयर लेबर 1750। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें लेबर चार्ज लगा है और फिर लेबर में 18% GST जोड़ के ये टोटल अमाउंट जो बन गया है 14701 रुपए का अमाउंट टोटल बना है। अब इसमें मेरे से उन्होंने कितना लिया मैं आपको बता दूं, मेरे से उन्होंने लिया है 1500 रुपए, 14701 में 1500 रुपए मेरे से लिया गया। और बोला गया कि इसमें जो टी लगी है टी में लगते हैं कौन सेट, मतलब हिंदी भाषा में आपको बताऊं छर्रे खटोरी, उसके पैसे आपको कंपनी नहीं देती, जो कंज्यूमेबल है उस पर क्या है कि ये मतलब क्या बोलते हैं फ्रिक्शन वाले पार्ट है घिसते हैं ये जीरो डेप्रिसिएशन में नहीं आते। तो इसमें मेरे से 1500 रुपए लिए गए और उसका प्रॉपर मुझे 1500 रुपए का यहाँ पे वो भी मिला है, बिल भी मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के नाम से 1500 रुपए लिया गया है, 15000 रुपए मान के चलिए टोटल इसमें एक्सपेंस आया, जिसमें से 9332 रुपए मात्र और मात्र इसमें पार्ट डले हैं, बाकी टोटल 6000 रुपए, 6 से 7000 रुपए लेबर चार्ज लगा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लेबर चार्ज कितना कंपनी में लगता है, अगर आपका इंश्योरेंस ना हो, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ना हो तो आप कितना ज़्यादा मतलब आपकी जेब ढीली हो जाएगी। तो इंश्योरेंस का कुछ यही फ़ायदा हुआ। और मेन बात क्या है, मैं इंश्योरेंस करवाया था तो लगभग 13900 का हुआ था, 5 साल का है, 1 साल जीरो डेप और 4 साल फिर वो थर्ड पार्टी हो जाता है, उसको फिर रेन्यू करवाना पड़ता है। इसके लिए मेरे से उन्होंने क्या क्या लिया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इसकी जो RC होती है, RC नहीं है तो फिर टैक्स की रसीद लग जाती है। इसके बाद फिर क्लेम एक ही दिन में क्लेम नंबर आ जाता है, फिर सर्वेयर आता है और फिर बाइक का सर्वे करता है, देखता है बाइक में कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, क्या क्या चीज़ इनको देना है क्या नहीं देना है। तो जैसे छोटा मोटा कुछ चीज़ देता भी नहीं है, जैसे मैं आपको बता दूं ये राइट साइड लेफ्ट साइड का जो मिरर है दोनों मिस हो गए थे एक्सीडेंट में, लेकिन उसने मेरे को मान के चलिए दोनों ही दे देता, लेकिन क्या बोल रहा था मिसिंग पार्ट का हम नहीं देते हैं, तो एक साइड का हमें नहीं दिया। जैसे लेफ्ट साइड का साइड मिरर मैं अपने जेब से डलवाया हूँ 220 रुपए का, आप समझ सकते हैं साइड मिरर की क्वालिटी एकदम से फर्स्ट। और उसकी मतलब यही है कि जो पैसा लगा है ना एक नंबर वाला पैसा इसमें लगता है इस गाड़ी में जो भी है, बाकी अभी गाड़ी बढ़िया चल रही है। मैं वही सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 10 दिन में गाड़ी बन के आई और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस से अपना इंश्योरेंस था वहाँ भी मैंने बात किया कि 1500 रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं जबकि जीरो डेप रहता है, इसमें फाइल चार्ज बस से काम हो जाता है, लेकिन बोले ऐसा नहीं होता है, आप कहीं भी पता कर लो। तो अगर आप में से किसी को मतलब जानकारी हो इंश्योरेंस, अगर किसी ने क्लेम लिया हो और किसी बैंक से या किसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसमें क्या फीस और चार्जेस रहते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो 1500 इन्होंने लिया है वो ज़्यादा ही लिया है, उसका कोई मीन्स नहीं बनता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।